अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे कहीं आंकड़ों सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है, तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत हो रही है जी। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलो, पर पकौड़े भी कहां से तले, क्योंकि पकौड़े तलने वाला सिलेंडर भी अब 2000 रुपए का हो गया। 71 रुपए का पेट्रोल था कांग्रेस के समय में लीटर, आज 102 रुपए का हो गया। जो डीजल 56 रुपया लीटर था वो आज 90 रुपया लीटर हो गया। खाने का तेल 170 और 175 रुपया हो गया। दाल जो है उसकी कीमत 100 और 150 रुपया हो गई। जिंदगी चलेगी कैसे? और इसीलिए कांग्रेस दो गारंटी लेकर आई है। मेरी बात समाप्त करते हुए केवल मैं ये कहूंगा, एक गारंटी है गृह ज्योति योजना, न जात देखेंगे न धर्म देखेंगे, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 7 और 8 रुपया यूनिट बिजली का है। गरीब एससी एसटी के साथी, किसान भाई, नौजवान कहां से पैसा देंगे? इसलिए ये फैसला किया कि 200 यूनिट बिजली कांग्रेस की अगली सरकार हर घर को फ्री देगी। गैस सिलेंडर खरीदना मुश्किल है, बच्चे की स्कूल की फीस देना मुश्किल है, दाल और सब्जी खरीदना मुश्किल है, दूध खरीदना मुश्किल है, पनीर खरीदना मुश्किल है। इसलिए हमने निर्णय किया कि घर की जो महिला मुखिया है 2000 रुपया हर महीने उसके खाते के अंदर दिए जाएंगे। गृह लक्ष्मी योजना 26,000-25,000 करोड़ रुपया हर साल इस प्रदेश के गरीब और साधारण लोगों के बैंक के खाते में जाएंगे। ये बदलाव का एक नया समय है।